जकरा नौकरी करबू, नौकरी हमने के ड्यूटी ना, हमने काम है। अब नो बताइबू लोग कैसे देने के गांव में का होत का नहीं। अरे हमरे गांव में बड़ा गड़बड़ा की तरह से कर देपा कुल भरा सब बता रहे हैं माने तो चल जाते हैं। नहीं तो यही मत बतावा, नहीं तो गंगा का नमवा खराब हुई तुम्हारी। वो गल की अब का हुई, हमारे गांव में जितनी लड़की कुल भागा थे परात है, मेरा चचा लड़का के माई भाग जाते हैं। अब इतना भागल चचा लड़का के माई 2 महीना पर 20,000 ओकर लड़का ओकर दादी जब से ओकर अधीन करा से रुक जा 20,000 दादी सुना 20,000 रुपया लगा के खोज के लिए आए। अब जला हुआ चौबे पर खाना बना शुरू करो। मैं फिर दोबारा सर्जन से एक किसकी लड़की मौर्या के उनकी छोटी बहन थी। ज्वाला था कैसे देखा था कि नहीं ज्वाला था। अच्छा नहीं यार अब देखा कहाँ जरा था देखा। चलिए तो कितने दिन हुआ छोटी बहन जो शादी की कर ली है? साल भर। तो क्या लव मैरिज जैसे उनके पिताजी नहीं जानते थे ये सब कैसे? अरे कुल जाने जब पसंद कर ले तो कर ले तो बाबू माई जान के क्या करिए जब पसंद कर ले। अच्छा आप ज्योति मौर्या यहाँ कभी आती थी आप देखी हैं कि नहीं? उनको उनसे मिली हैं? ये का लड़की का कहे हमने ना देखा। पढ़ाई उढ़ाई सब यहीं से की है? अंदर है पढ़ाई। अच्छा अपने ससुर ब्याह करके गए तो उन लोग पढ़ा के डीएम बना रहे। अच्छा लोग ये भी कह रहे हैं कि जो उनके ससुर वाले हैं वो मेहनत किए, उनके जो हस्बैंड है पति हैं काफी मेहनत से पढ़ाए लिखाए, और आपको क्या लगता है इस तरीके से समाज में हो जाना और ये कैसा संदेश है लोगों के लिए? एक शिक्षित परिवार, एक शिक्षित लोग पढ़ाते लिखाते हैं अपने बहु बेटियों को कि ये अच्छा काम करेंगे आगे चल के लोगों का माँ या बाप का नाम रोशन करेंगे। सब बेकार पढ़ावत हो, सब बेकार पढ़ाते, लड़की की बुद्धि एकदम खराब हो। लेकिन अगर एक एक महिला या एक बेटी गलत हो जाते हैं तो उसको सब लोगों को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए ना? क्या एक गलत हो गई तो उससे सब लोग गलत हो जाएंगी? अच्छा ये बताइए आपकी अगर कोई बहू है अगर वो पढ़ना चाहती है तो क्या आप पढ़ाएंगे उसको? अच्छा नहीं पढ़ाएंगी, आप इससे सहमति हैं? आप पढ़ाएंगी अगर वो पढ़ना चाहती है तो? आप तो कह रहे हैं कि लोगों को, लोग कह रहे हैं कि लोग अब नहीं पढ़ाएंगे उसको, जो मैटर ये चल रहा है लोग नहीं पढ़ाएंगे अपने बहू को, लेकिन आप कह रहे हैं पढ़ाएंगे हम? अब तो पढ़ ली हैं लेकिन अगर कोई आती है जैसे कोई नई नौकरी के लिए हो, अच्छा तब पढ़ूंगी। क्या जो ये कांड हुआ है इस तरीके का जो चल रहा है न्यूज, एक लड़की को इस तरीके से करना चाहिए? इस तरीके से नहीं करना चाहिए, काहे करे? दूसरे लड़की है दूसरे लड़कों का जन्म भाई बहन बेहूतवा के जन्म दूसरे लड़की लेके है और बेचारा कहत बा कि हमरे जान पर खतरा बा हमें मरवा दे। वो डीएम बा तो मरवा सकला, मरवा भाई ओकर मेहरारू भागल बा तो कहबे करे कुछो? अभी हम उनके घर पे गए थे तो उनके घर पे ताला बंद है, तो क्या घर में कोई है नहीं या अंदर कोई है? दुकान खोले रहे। अच्छा मातारी रहे तो भगा दे। मीडिया वालों से बात भी नहीं करे? अगर देखिए कोई सच्चाई है, अगर कोई सच है तो उसको बताने में क्या दिक्कत है? क्योंकि माता जी आपको मैं बता दूं ये पूरे वर्ल्ड में न्यूज चल रहा है, लोग दिखा रहे हैं उनका बहुत सारे चैट मैसेज जो की हैं जहाँ पे जिससे यहाँ के लोग जो सोच रहे हैं अगर कोई एक गंदा हो जाए तो क्या सबको उसी रास्ते पे चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए लेकिन क्या करवा सोच। अच्छा कानून इसके लिए होना चाहिए कि नहीं? अगर कोई लड़का हो चाहे लड़की हो अगर मतलब गलत तरीके से अगर काम गलत कोई काम करता है तो उसको लिए कोई कानून होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, बार बार गलती करता है। दोस्तों देख सकते हैं अभी हम आए थे गाँव में SDM ज्योति मौर्या के घर पे जहाँ पे उनका परवरिश हुआ था, हालांकि उनके पिताजी शायद घर में हैं जैसे कि दादी बता रही हैं। और अभी जितने गांव वाले थे कोई भी मतलब इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं था, कोई उनके बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं था। और फिलहाल में दादी जो भी कुछ था जानकारी वो बताई हैं। और क्या होगा इस केस में क्या होगा ये तो प्रशासन है, इसके बारे में जाँच हो रहा है। बाकी आप लोगों का क्या राय है आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।